NTAUGC NET यानी इमेज नेट डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। नमस्कार दोस्तों, NTAUGC NET कम्युनिकेशन क्लास 6। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बेसिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, लीनियर, इंटरेक्टिव और ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, इसमें से पहले 2 से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों, अगर आपको नेट और जीआरएस चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर 1 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर 2 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर 3 पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर 4 पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर 5 पे दोस्तों हम आपको ओल्ड 10 यूनिट की एड फ्री देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है। हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजिनेट है तो जीआरएफ है। दोस्तों, वैसे तो अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारे मॉडल है, कम से कम 80+ मॉडल आपको देखने को मिलेंगे अगर आप डीप में जाएंगे तो। लेकिन हमारे पेपर फर्स्ट के अंदर 3 तरह के मॉडल के बारे में पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो उन्हीं पे हम फोकस करेंगे, लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल और ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, लीनियर मीन्स एक लाइन के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल कहते हैं। आप यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आसानी से हमने यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें संचार सीधी रेखा में होता है, इसमें फीडबैक बहुत कम और मुश्किल तरीके से मिलता है या फिर बहुत देर से मिलता है। जैसे पहले के समय में रेडियो पर एंकर अपनी प्रस्तुति देते थे और उनको काफ़ी समय बाद पत्र के जरिए जवाब मिलता था। लीनियर कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है दोस्तों, हम जो कम्युनिकेशन करते हैं वो सीधा एक लाइन के अंदर होता है और उसमें जो फीडबैक मिलता है, फीडबैक बहुत ही लेट मिलता है या फिर बहुत मुश्किल मिलता है। आज के समय में तो दोस्तों ऐसा नहीं है, लेकिन पहले के समय में आपने देखा होगा कि आज से 20-30 साल पहले की हम बात करें तो रेडियो पे जो एंकर होता था वो अपनी प्रस्तुति देता था और बाद में कहता था कि अगर आपके कोई सवाल जवाब है तो आप हमें पत्र के जरिए ज़रूर बताना। अब वो पत्र आते थे 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में आते थे और कई बार क्या होता था कि हम पत्र भी लिखते थे लेकिन वो उनके पास पहुँच ही नहीं पाते थे, बहुत कम चांसेस होते थे कि उनके पास पहुंच जाए। लेकिन आज के टाइम में आज तो हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा पत्र पहुंचा या नहीं पहुंचा, आज ज़माना बदल गया है। तो लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर यही है दोस्तों कि जो कम्युनिकेशन होता है वो सीधी एक रेखा के अंदर होता है और उसके अंदर जो फीडबैक है, फीडबैक बहुत कम मिल पाता है, अगर मिलता भी है तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। इसी तरीके से जब हम टीवी पे बात करें तो टीवी में भी यही है और यूट्यूब चैनल पे बात करें तो इसमें भी ऐसा ही है। जैसे मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके कोई सवाल जवाब है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हैं, तो आप उसी टाइम तो नहीं बताते लेकिन काफ़ी देर बाद बताते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, लीनियर कम्युनिकेशन ऑफ मॉडल हो गया। और ये दोस्तों कब आया था, द लीनियर मॉडल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय सेनन एंड वीवर इन 1949 के अंदर सेनन एंड वीवर ने इसके बारे में बताया था। इन द लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल द मैसेज ट्रेवल वन डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट, इन अदर वर्ड वंस द सेंडर सेंड द मैसेज टू रिसीवर द कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड, यानी कि सेंडर ने अपना मैसेज भेज दिया और कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड मानी जाती है वहाँ पे। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, इसके अंदर हम इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ वार्तालाप करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे दोस्तों हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर इंटरेक्टिव मॉडल के अंदर संदेश प्राप्त करने वाला जल्द ही फीडबैक देने का प्रयास करता है। इसमें दोस्तों दूसरे की बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, बारी बारी से अपनी भावनाओं, इच्छा और विचारों को शेयर करते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे की जाने वाली चैटिंग। देखिए, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, व्हाट्सएप पे जो हम चैटिंग करते हैं दोस्तों वो इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर मानी जाती है। जैसे हमने कोई जवाब भेजा, अगले ने आंसर दिया, फिर हमने कोई सवाल किया, फिर अगले ने आंसर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हम भेजते हैं टेल मी व्हाट, एनीथिंग, व्हाट यू डूइंग नाउ, नथिंग,
टेल मी समथिंग, इस तरह से इंटरेक्शन होता रहता है हमारा, उनके साथ कम्युनिकेशन होता रहता है। और यहाँ पे हम अपनी भावनाएं, आचार विचार, यानी कि सारी चीज़ें उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ होती है जो फीडबैक है, फीडबैक बहुत जल्दी होता है दोस्तों, फीडबैक बहुत जल्दी होता है। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि पहला कोई सवाल करेगा, हमें वेट करना पड़ेगा, फिर हमें आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल हो गया। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, ऊपर वाले से। इसमें हम जैसे नाम से पता चल रहा है दोस्तों, ट्रांजेक्शन करना, ठीक है। आचार, इसके अंदर क्या होता है कि हम एक दूसरे की बातों को बीच में काट सकते हैं। अभी जैसे मैंने ऊपर बताया ना, अब देखिए यहाँ पे पहले ये मैसेज भेजेगा, फिर ये आंसर देगा, फिर ये मैसेज भेजेगा, फिर ये आंसर देगा, बारी लगी रहती है, एक दूसरे की बारी लगी रहती है। लेकिन जब हम पांच दोस्त एक साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं, तो हो सकता है तीन दोस्त एक साथ बोल रहे हो, ठीक है, चार दोस्त एक साथ बोल रहे हो, एक किसी ने चुटकुला सुनाया है तो चारों दोस्त हंस रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक साथ सभी दोस्त एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करें, तो ये क्या होगा, ट्रांजेक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होगा। और दूसरा एक और एग्जाम्पल इसका हम देख सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए कॉन्फ्रेंस होती है, लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, यहाँ पे चार व्यक्ति है और यहाँ पे चार व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो ये चार, इन चारों में से दो व्यक्ति भी एक साथ बात कर सकते हैं, और यहाँ पे जो ये दो व्यक्ति बैठे हुए हैं या फिर ये महिला बैठी है, ये भी इनके साथ एक साथ बातचीत कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन ऑफ मॉडल हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मॉडल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं वो हम लाइव जो मॉक टेस्ट होगा उसके अंदर आपको बताएंगे कि किस तरह से इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो दोस्तों आप हमारा लाइव मॉक टेस्ट भी ज़रूर देना, उसके बारे में हम आपको ऐप के अंदर बता देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआर चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे, और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजी नेट है तो जीआरएफ है।